गहलोत जी ने बैठे बैठे कह दिया परमिशन कैंसिल कर दो। कहां जरूरत थी, क्यों मुझे छेड़ रहे हो बिना बात? क्या बेटे की चिंता नहीं है? बिल्कुल, मुझे छेड़ के फिर उसका वसुंधरा से मेरा क्या झगड़ा था? उसका झगड़ा तो उसके पति के साथ था, मेरे साथ था क्या वसुंधरा? फिर भी मैं लड़ा उससे। कारोबार शुरू हुआ राजस्थान के अंदर फर्जी डिग्री का, फर्जी मार्कशीट का, और वो कारोबार ऐसा चला वसुंधरा के टाइम कि गहलोत जी ने उसे मोर लगा दी। उन्होंने कहा तुम तो डिग्री ला रहे हो, मैं पूरे पेपर ही बाहर ले आता हूं। तो आरपीएससी कर्मचारी कोई अपनी मम्मी को लेके आया, कोई पापा को लेके आया, मदद करो। मैंने उनको कहा कि आपके पॉलिटिकल पापा तो दूसरे हैं, मेरे से मदद क्यों मांग रहे हो? बोले साहब अब की बार मदद कर दो, फिर कभी नहीं मांगेंगे। और मैं तो देखो डिलेर व्यक्ति हूं इस मामले के अंदर, ये शादी होने के बाद भी बहुत जोश है इसके अंदर। सबसे पहले तो जोधपुर विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर जो राजधानी में इस 14 तारीख को 1 लाख से ज्यादा संख्या में इस प्रदेश का छात्र, प्रदेश का नौजवान सत्संग चुनाव करवाने, बेरोजगारों को, युवाओं को उनका हक और अधिकार दिलाने की मांग को लेकर जो सबसे बड़ा आंदोलन 70 साल में पहली बार हो रहा है, उसकी शुरुआत आज रैलियों के माध्यम से जोधपुर की धरती से, जोधपुर विश्वविद्यालय की धरती से। मैं विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा था, लेकिन हमेशा राजस्थान विश्वविद्यालय का जितना ध्यान रखा उतना ही जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ने वाले मेरे छोटे भाइयों का, छोटे बहनों का ध्यान रखे। अटैचमेंट आप लोगों के साथ है, उसका सबसे बड़ा कारण भी है कि हम और आप एक हैं, उसी मारवाड़ से हम लोग आते हैं जहां से आप आते हैं। जब शुरुआत जब विश्वविद्यालय के अंदर हमारे छात्र नेता बैठे थे, छात्र संघ चुनाव बंद कराने की घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने की, बड़ा आंदोलन राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर छात्र नेताओं ने किया, आमरण अनशन किया, मैं गया था इनके बीच। मैं भी चाहता कांग्रेस बीजेपी के नेताओं की तरह आपको छोड़ के बीच में कोई यात्रा निकाल लेता, मुझे कौन रोक रहा था, लेकिन मुझे चिंता थी आपकी कि कोई देश में ये नहीं कह दे कि राजस्थान में लड़ने वाले नहीं बचे। हनुमान बेनीवाल को अपने भाइयों के लिए मैदान के अंदर आना पड़ा, सड़क पर आना पड़ा। ये सड़क पर मैं ऐसे ही नहीं आया हूं, 1 महीना आपके बीच रहूंगा सड़क पे, आप उठा के देख लें। 15, 16, 20 तारीख से लेके अभी तक 15 तारीख तक 1 महीने के अंदर 2 बार राजस्थान विद्यालय के अंदर हमने प्रयास किया।